जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और ये दो डब्बे देख रहे हैं आप। एक में तो मीट एंड टी है, आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं ऊपर में मिल रहा है, भाई बताओ कैसा है। तो इसको एक दो दिन तो लगेगा ना इसका वीडियो देने में तो। और दूसरा हमारे पास ऐसे ऐसे फीचर है ना इसके अंदर, क्या आप महंगे महंगे फोन यूज करते हो। ये असली फोन है, मैंने लाइफ में कितने सारे फोन यूज कर डाले आज तक, बड़े छोटे, लेकिन ये वाला फीचर नहीं है। ये है इजी फोन स्टार, 3500 का फ्लिपकार्ट से लिया था। एक्चुअली ये एक ना बच्चों के लिए सेफ फोन है और कुछ इसकी जो सेफ्टी है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। मैं क्विक अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी। ये इसका बॉक्स, इजी फोन स्टार, और यहाँ पर सारे के सारे जो हाईलाइट है वो मेंशन है। खैर मैं इसको बताऊंगा अभी। सबसे पहले इसको मैंने हल्का सा रैपर वगैरह तो फाड़ दिया था। बॉक्स के अंदर भी सेम बॉक्स है, ये बहुत सारे कलर में आता है, यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने। मेरे पास कौन सा कलर है, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, ओके रेड कलर। और अंदर ओ भाई ऐसी डाल दिया सारा कुछ। 800 mAh की एक बैटरी है, पन्नियाँ भी बच्चों वाली है, टॉफी वाली सारी की सारी। ओके ये फ़ोन है और यहाँ से ये सिंपल चार्ज करने का तरीका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो पॉइंट बने हुए हैं सेम जहाँ पर है, और ये यहाँ पर जाके सिंपली जाहिर सी बात है चार्जर लगाना पड़ेगा इसमें, उसके बाद ही जाकर ये आपका फ़ोन जो है इस तरह से चार्ज करने वाला है। और साथ में एक और ऑप्शन है कि डायरेक्ट यहाँ पर ये लग जाएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे फ़ोन मिलते कहाँ है जो खुलते हो। याद आया बहुत पहले फ़ोन आते थे मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, ऐसे लगाया और लॉक कर दिया। मेरे पास मेमोरी कार्ड तो नहीं है, तो यहाँ से मतलब टॉर्च वाला काम है ये फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने का। काफ़ी हार्ड सा है यार, बच्चा कैसे इतनी मुश्किल से करेगा। सारी चीज़ें एक साइड में, ये M1 चिप लगी हुई है ना इसके अंदर M1, M2, M3, M4 सारी चिप लगी हुई हैं। एप्पल सुनेगा बहुत मारेगा मुझे। एक्चुअली है क्या, इसमें चार नंबर आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो और उन पे फोटो लगा सकते हो आप। उसके बाद ये वाला फ़ोन ना कुछ ऐसा दिखेगा, अब ये फ़ोटो आप कस्टमाइज करवा सकते हो। वैसे मतलब मैं क्या करता हूँ अभी, ये चार फोटो होगी ना, मेहनत फिर से होगी क्योंकि फ़ोटो थोड़ी बड़ी साइज़ की है। ये फ़ोटो लग गई ना इस तरीके से। अब जैसे मैंने इसमें चार नंबर सेव कर रखे, जैसे पहले नंबर पे मैंने किसी का सेव कर रखा, ये इसको दबाना है और ये फ़ोन प्रेस करने पे लग जाएगा। एंड्रॉइड का नंबर सेव है। हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ राकेश, ज्ञान थेरेपी। यार इतनी बेइज्जती कौन करता है। ओ भाई फ़ोन काट दिया। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो ये टेम्परेरी मेरा नंबर है ना, टेस्टिंग वगैरह में यूज़ करता हूँ। प्राइमरी नंबर तो मेरा इस फ़ोन में है ना, तो इस वजह से पहचान नहीं पाए, इतना बुरा हाल थोड़ी है। तो इस तरह से चार नंबर सेव कर सकते हैं। छोटा बच्चा है ना, उसको फोटो देख के पता लग जाएगा, हाँ भाई इसको फ़ोन करना, इस बंदे को, पापा मम्मी चाचा अंकल जो भी है। इंटरेस्टिंग पता क्या लगेगा, इस पूरे फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हो, बच्चा कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर ना तो इंटरनेट चलता है, ना कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, ना वाईफाई है, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा। ये काफ़ी कमाल की बात है। एक ऐप आती है, ऐप में भी ट्विस्ट है, भी बताता हूँ कैसे। केयर टच करके इसको आपको ना डाउनलोड करना होगा, आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी में क्या है ना, एक प्रॉपर यूनिक आईडी होती है फ़ोन की, केयर टच वाले ऑप्शन में, ये देख रहे हो आप आईडी, ये आईडी के साथ इसमें आपको लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, आपको टाइम लगेगा इसमें। जो आप स्मार्टफोन में जो स्मार्टफोन नहीं, ये सिर्फ फ़ोन है, इसके अंदर जो नंबर है वो आपको इसके अंदर डालना है और ये आईडी डालना है। उसके बाद एक बार लॉगिन करना है तो ये कनेक्ट हो जाते हैं बिना पर्सनली डायरेक्ट कनेक्शन के। स्टीकर निकल गया भाई, अंकल जी बाहर आ गए। सोचो ये फ़ोन बच्चे के पास है छोटे वाला, और आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ भी हो जा सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कॉल करवा सकते हैं इस फ़ोन से। कैसे, जैसे ये देखो आप ना, मैं अपने मेन फ़ोन में गया, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो कॉल बैक करके, इस पर आपको टैप करना ना, एक मैसेज सेंड हो जाएगा आपके इस मिनी वाले फ़ोन पे, छोटे वाला इजी फ़ोन पे, यानी कि खुद कुछ नहीं करना, वहाँ से कॉल वापस आ जाएगा आपके मेन फ़ोन पर। और आपको इंटरेस्टिंग क्या लगेगा, इस मिनी वाले फ़ोन का ना लाउड स्पीकर ऑन रहेगा इस कंडीशन में। इसमें क्योंकि लाउड स्पीकर पे ना, तो आप हाई हेलो करोगे, जो भी करोगे, या अगल बगल क्या चल रहा है उस बच्चे के आसपास, अगर बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है क्या हो रहा है, तो वहाँ एनवायरमेंट में कौन है, कितने लोग हैं, वो सब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप हैंड फ्री पे बात हो रही है ना। फन फैक्ट क्या है, अभी आप देख रहे हो ना इसके मेन्यू में कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, फोन बुक है, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, बहुत सारे हैं ना आप देख रहे हो। आप यहाँ पर मेन फोन से अपने, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके चाहो तो हाइड कर दोगे, तो इस फोन से ऑटोमेटिक वो सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, आप लॉक लगाना एक आम बात होती थी, लेकिन ये गायब हो जाएंगे, सारे आइकन ही गायब कर देता है। सेम इसी तरीके से पुल लोकेशन का ऑप्शन है ना, यहाँ से एक मैसेज जाएगा, वहाँ से एक लिंक आता है ऑटोमेटिक, तो उस पर आप टैप करेंगे ना,
तो आप इसकी लोकेशन भी ले सकते हैं कि कहां पर है ये फोन। ऐसे ही ना SOS वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप जाके एक नंबर सेव कर दो। ये इस फोन के पीछे देखो आप लाल सा बटन दे रखा है, इसको बस जैसे ही ऊपर प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पहले वाले ऑप्शन से तो आप मैंने बताया ना चार नंबर पे कौन से नंबर सेव करने, नंबर को कस्टमाइज कर सकते हो M1 M2 M3 M4 पर। एड्रेस बुक में आप 20 नंबर सेव कर सकते हो मैक्सिमम। एक DND का ऑप्शन है, जैसे आप चाहते हो कि इतने से इतने बजे इसमें कोई फोन ना आए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है ना भाई तो वहां पर क्या है कि आप इसे एक्टिवेट कर दो कोई फोन नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा फोन आप कस्टमाइज कर सकते हो 3,500 का फोन को आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। यूज़र मैनुअल हम लोग फेंक देते हैं ना, लेकिन पहली बार क्योंकि ऐसा फ़ोन कभी यूज़ ही नहीं किया था तो मुझे इसको रीड करना पड़ा, तब जाके पहली बार टाइम लगता है। कुछ भी अगर आप सेट करते हैं ना थोड़ा सा सिंक करने में ऑप्शन है जो नीचे, टाइम लेता है। बाकी फ़ोन पे बात करते हो ऐसे कोई हाई लेवल की क्वालिटी नहीं है इसकी, माइक क्वालिटी वगैरह बेसिक सा फ़ोन लगता है, ये सस्ता सा लेकिन काफ़ी अलग सा था इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। मैं क्या देखे जरा क्या है, और सच में मतलब मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, ये फ़ोन कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।